तेरे सुखन का करीना डुबो गया मुझको, के जिसे हाल सुनाया उसे फसाना लगे। इस अहदे जुल्म में मैं भी शरीक हूं, जैसे मेरा सुकूत मुझे सख्त मुजरिमाना लगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी स्पेक्टिकुलर एंड लैंडस्लाइड विन ऑफ मिसेज ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। इन द टीथ ऑफ हर स्पेक्टिकुलर विन, इट इज ऑल द मोर इंपरेटिव to be acquainted with her educational qualification. ममता बनर्जी की इस शानदार जीत के पसे मंजर में उनकी इल्मी इस्तदाद और इल्मी काबिलियत को जानना जरूरी है। She did her post graduation in Islamic history. आप देखते हैं कि she has read the history with the unbiased and unprejudiced approach and temperament. Dr. Rafiq Zakaria ने कहा, the history plays to the पॉलिटिकल ट्यून, लेकिन अगर तारीख को सही नजरों से और गैर जानबदार से पढ़ा जाए तो हालात में काफी सुधार हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो कम नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने कुछ एजुकेशन में क्वालिफिकेशन की, उसके बाद शी कंप्लीटेड हर लॉ। उसके अलावा जो है, इट रिडाउंस टू हर क्रेडिट दैट शी वाज कंफर्ड विद द ऑनर ऑफ डॉक्टरेट बाय कालिंगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। उसके अलावा एक बात और है, शी इज रेकन्ड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड बाय अमेरिकन टाइम। ये तो उनकी इल्मी सलाहियत है। दूसरा उनका किरदार ये है, शी इज द वुमन ऑफ ग्रेट सिंप्लिसिटी, इनॉर्मस सिंप्लिसिटी एंड हाई थिंकिंग। और उनकी सादगी एक कैसी उनकी शख्सियत का पहलू है जिसकी वजह से आज वो आवाम में मकबूल है। और उनका आप देखते हैं कि हर अनबायस्ड रीडिंग ऑफ द कंटेम्पररी रियालिटीज एंड द हिस्ट्री विद द करेक्ट परस्पेक्टिव गवर्न द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परमेंट एंड कैथोलिक आउटलुक एंड कॉस्मोपोलिटन कल्चर। यहां ये देखा जा रहा था कि बंगाल में फिरका परस्त ताकतों ने पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि जो शी पॉलिटिकल क्रम्बल्स टू द ग्राउंड। केरला में उनको मालूम था दे वर नॉट गोइंग टू कट एन आइस। तमिलनाडु में अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टालिन दे न्यू व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स बाय द पीपल। अब पूरी ताकत झोंकने के बावजूद ममता बनर्जी कुड नॉट बी डिटर्ड
ऑन द कॉन्ट्ररी शी इमर्ज स्ट्रॉन्गर। हाँ, एक और बात है विच कैनॉट बी मिस्ड कि बीजेपी जो वहां इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन आज ये हुआ है बीजेपी है सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग सर्टन पॉलिटिकल स्पेस इन दी वेस्ट बंगाल सिनेरियो। उसके बाद एक और बात हो गई थी कि द पीपल वर नर्सिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस और वो ये समझ रहे थे कि ममता जो है वो उसके लिए जो है ये दिस मे बी द वाटरलू, दे डिजर्टेड हर एंड ज्वाइन बीजेपी। तो वो भी उसके लिए धक्कादायक बात थी, लेकिन उसने जो शी रिमेड अनफेस्ड एंड द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल रिमेड अनफेस्ड। उसके अलावा जो है अवेसी ने भी कुछ कैंडिडेट्स खड़ा किए थे उधर, खड़ा किया था। अच्छा, वह ज्यादा लोग खड़े नहीं किए गए, तो वहां भी आप देखते हैं कि पीपल एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट्स इन फेवर ऑफ द सेक्युलर फोर्सेस, और ये काफी अच्छा वो हो गया इन तमाम हालात के बावजूद। और दूसरी बात ये थी कि ममता बनर्जी ने जो लोगों के मफाद की स्कीम्स थी दे वर एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर एलिगेशंस ऑफ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट बाय द सेंटर। लोग सब समझते हैं। उसके बाद जो है वहां फिरका परस्त ताकतें ये चाहती थी कि लेट पीस एंड हार्मनी बी अबंडेंट, लेट पीस एंड हार्मनी एंड कम्युनल अफिनिटी, कम्युनल लव एंड अफेक्शन दे शुड रादर बी लेफ्ट इन द लर्च। और वहां माइनॉरिटीज ने पर्टिकुलरली मुस्लिम्स ने ये महसूस किया कि हम जो है वी आर सिक्योर हियर अंडर द रेन ऑफ मिसेस बनर्जी, दे आल्सो वोटेड फॉर हर। अब हमारे मुल्क की हालत ये है कि फिरका परस्ती बड़े शबाब पर है। आप देखते हैं कि इसराइल और फलस्तीन का तनाजा चल रहा है। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो हमास के शेल्टर में, इट इज जस्टिफाइंग द डीप और अनबियरेबल और वेरी हॉरेंडस और वेरी ड्रामेटिक एट्रोसिटीज परपेट्रेटेड बाय इसराइल। वो है ना उसमें जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, खरत का नाम पड़ गया जुनू, और जुनू का खरत जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे के आज हमारे मुल्क में टेररिज्म की जो इस तरह वी स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म, वी स्ट्रांगली डिप्लोर टेररिज्म। हम दहशतगर्दी की बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क का मामला ये टेररिज्म इज सब्जेक्टेड टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इफ मुस्लिम डज द वायलेंस इज टेररिस्ट, इफ अदर्स डू द वायलेंस वो इंसानियत पसंद है, वो अमन के रहनुमा है, वो अमन के पैगंबर है, वो अमन के परिश्ता है। There is no objectivity in our country by the prejudiced section of the media to define the concept of terrorism in the correct perspective. ये जब मुल्क में इन हालात में ममता बनर्जी का जीतना जो है
वो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये देखा जा रहा है कि जीत के बाद भी इसकी जीत को स्टमक किया, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। अब कुछ ये भी हो रहा है कि देर आर परनिशियस अटेम्प्ट्स टू प्रोवोक द क्रिमिनल एटमॉस्फेयर। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वो पढ़ता हूं कि किस तरह सोशल मीडिया का मिसयूज करके हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल पुलिस हैव गॉट मोर देन 500 फेक पोस्ट डिलीटेड फ्रॉम सोशल मीडिया ऑफ पोस्ट फॉर वायलेंस इन बंगाल एंड हिंदू जेनोसाइड इन बंगाल इन द लास्ट 96 आवर्स, बट द नंबर्स आर जस्ट वन इंडिकेशन ऑफ द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम। अमंग इमेजेस सॉट टू बी पास्ड ऑफ एज बंगाल वायलेंस इमेजेस आर ओल्ड फोटोज फ्रॉम ब्राजील, वेनेजुएला एंड बांग्लादेश। आप देखते हैं कि कम्युनल एटमॉस्फियर इज बीइंग विशिएटेड विद अ फ्लोटिंग ऑफ द फॉल्स इमेजेस। तो ममता बनर्जी हैज टू फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, शी नीड्स टू फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ गुड क्लाइमेट इन द स्टेट। और आनंद पटवर्धन की एक बात से मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आनंद पटवर्धन ने कहा देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कुछ गलतियां हुई है, लेकिन आनंद पटवर्धन ने आखिर में यह कहा है नाउ ममता बनर्जी इज टू इंप्रूव हर परफॉर्मेंस एंड आई फील आई एम कॉन्फिडेंट शी इज गोइंग टू पुट अप द बेटर परफॉर्मेंस टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक शेयर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उनका जो काम है वह अरे सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आखिर में आज का जो वीडियो है, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अनवर शेख हु इज इंटीरियर डिजाइनर एंड इज क्वाइट ए गुड बॉय। आई एम प्रोफ्यूसली थैंकिंग हिम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं उसको मेरे फोन को भी लगा दूंगा, लेकिन अच्छा बोला।